भारतीय जनता पार्टी परंपराओं की बात करती है। जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, कितनी बार पार्लियामेंट का बहिष्कार करती थी, कितनी बार भारत बंद का आह्वान करती थी। दिल्ली बंद तो मुझे लगता है कि साल में एक बार करती ही करती थी भारतीय जनता पार्टी। और इसमें क्या आसमान गिर जाएगा अगर आप भारत देश की राष्ट्रपति को भारत के संसद के उद्घाटन में बुला लोगे? तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है मुझे। क्या भारत की राष्ट्रपति पाकिस्तान से हैं जो कोई बयान दे रहा है? और अगर प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री से इतनी तकलीफ रही है, तो अपने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर प्रधानमंत्री जी ने क्यों बुलाया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को? अभी कुछ दिन पहले क्यों बुलाया गया पाकिस्तान के विदेश मंत्री को? मुझे लगता है कि देश की राष्ट्रपति की तुलना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से करना बहुत ही अजीब बात है। और देश की प्रधानमंत्री से इतनी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रही है मुझे समझ में नहीं आता। ये तो एनडीए की ही जो है कैंडिडेट थी। इनका महिमा मंडन तो आप ही लोगों ने किया था कि ये भारत की सबसे पहली महिला अनुसूचित जनजाति से आने वाली राष्ट्रपति हैं। इनसे आपको इतनी जल्दी इतनी नफरत क्यों हो गई है कि आप उनको एक कार्यक्रम में बुलाना नहीं चाह रहे हैं? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। क्यों नहीं बुलाया जा रहा उनको कार्यक्रम के अंदर? भाई कांग्रेस ने ये किया था। अरे कांग्रेस ने गलत किया था, इसलिए तो कांग्रेस को लोगों ने सजा दी। इंदिरा गांधी ने ये किया था, राजीव गांधी ने ये किया था। अरे इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी भी की थी। इंदिरा गांधी के टाइम में तो, उनके जाने के बाद राजीव गांधी के टाइम में दंगे भी हुए थे। तो आप भी वही सब कराना चाहते हैं? ये बहुत अजीब बात है। और अपनी ही राष्ट्रपति से इतनी इतनी दूरी जो है मुझे समझ में नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।